मैं उदय जी के लिए ये कहना जरूर चाहूँगा कि खलनायकी के सिरमौर हैं कि नहीं वो मैं बाद की बात है। मैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे सबसे अजीज़ हैं और मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ इनसे। इन लोगों को देखते देखते इस इंडस्ट्री में भोजपुरी में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये मुझे गाइड बड़ा अच्छा करते हैं। जब मुझे कभी परफॉर्मेंस करना होता है तो ये बोलते हैं प्रभु ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इनका सपोर्टिंग नेचर जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। अब रही बात मोहब्बत फिल्म की, तो मोहब्बत फिल्म देखी मैंने, बड़ी खूबसूरत सी लव स्टोरी है, एक्शन और ये और वो तो हम देखते ही रहते हैं, एक्शन का भी समावेश है इसमें और कहानी बड़ी प्यारी है, एक स्वीट सी लव स्टोरी है। तो हमारे जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं सब लोगों से अनुरोध है, गुजारिश है कि आप लोग आएँ और इस फिल्म को देखें, अपनी मोहब्बत दें, अपना प्यार दें इस फिल्म को। काजल काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है और धीरे धीरे इंसान सीखता है, धीरे धीरे काम करता है, ये नियम है इस इंडस्ट्री का कि धीरे धीरे सब अच्छा करते हैं। पहली फिल्म में इतना अच्छा उन्होंने किया है तो ऐसी एक्ट्रेसेस से उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं जो पहली फिल्म में ही अपनी अपने हुनर का झंडा गाड़ देता है। तो देखिए उदय जी के साथ अभी जो अगली मेरी रिलीजिंग फिल्म है इसमें कसम पैदा करने वाले कि मैं अवधेश जी हैं। अभी हमारी रंगदारी टैक्स आई हुई थी, बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत सी फिल्म थी। इसके बाद से हमारी कसम पैदा करने वाले की है रुद्रा है और लुटेरे है। लुटेरे के बाद से फिर हमारी लुटेरे के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लुटेरे ना ये पवन सिंह की फिल्म है, न यश कुमार की फिल्म है, न वो किसी की फिल्म है। लुटेरे में अवधेश जी के परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि लुटेरे सिर्फ और सिर्फ अवधेश जी की फिल्म है। गजनी फिल्म में आमिर खान थे लेकिन थी वो गजनी की फिल्म, तो लुटेरे में हम सब हैं लेकिन है वो हमारे अवधेश जी की फिल्म है। तीन हीरो हैं सब हैंडसम लोग के बीच में हमें एक ध्याती है उसमें। नहीं मतलब आपने जिस तरीके से उस कैरेक्टर को प्ले किया है, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं किसी से उम्मीद ही नहीं कर सकता हूँ कि कोई उस कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से प्ले करेगा। मतलब शायद इन्होंने विलन का एक नया रूप पर्दे पे साकार कर दिया है और वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकते थे। हिज नेम इज ओनली वन एंड ओनली अवधेश। इनको इनके साथ काम करके मैं भी अपने आप को जवान समझने लगता हूँ, इसलिए इनके साथ ज्यादा फिल्में करने की इच्छा रहती है मेरी। Planet Bhojpuri।